हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 13 का बचा हुआ कोई क्वेश्चंस हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट कर दिया है अभ्यास का, आप उसको देख सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 है चैप्टर 13 का, एमीन चैप्टर का। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को, ठीक है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्यों नहीं बनाया जा सकता है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल संश्लेषण द्वारा। तो ध्यान से समझें आप लोग, देखें गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया में थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है। ठीक है, जब गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के दौरान थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है। ठीक है, यह एल्किल हैलाइड से आसानी से क्रिया करता है, एल्किल हैलाइड से आसानी से क्रिया करता है और संबंधित एल्किल व्युत्पन्न देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह आपका थैलेमाइड का पोटेशियम लवण है, पोटेशियम थैलेमाइड जो एल्किल हैलाइड से क्रिया कर रहा है और संबंधित एल्किल व्युत्पन्न एन एल्किल थैलेमाइड दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया हो रही है। अब आइए देखते हैं एरोमेटिक हैलाइड से अभिक्रिया होगी तब क्या होगा, किंतु एरिल हैलाइड, ठीक है, किंतु एरिल हैलाइड पोटेशियम थैलेमाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, यह आपका पोटेशियम थैलेमाइड है और यह एरिल हैलाइड अर्थात हेलो एरिन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो इसका रीजन यह है कि यहाँ पर एरिल हैलाइड अर्थात हेलो एरिन में, ठीक है, दो बंध पाया जाता है, कार्बन और हैलोजन के बीच में आंशिक द्विबंध के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, और आंशिक द्विबंध के लक्षण होने के कारण यह मजबूत हो जाता है और वह आसानी से टूटता नहीं है, अर्थात एरोमेटिक एमीन जो हैं वह गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कार्बन हैलोजन बंध आंशिक द्विबंध होने के कारण मजबूत हो जाता है और उसका टूटना कठिन होता है। ठीक है, देखें ध्यान से, एरिल हैलाइड पोटेशियम थैलेमाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि हैलोएरिन अर्थात एरिल हैलाइड में आंशिक द्वि आबंध लक्षण के कारण कार्बन हैलोजन बंध का टूटना कठिन है, अतः एरोमेटिक एमीन को गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 13वां क्वेश्चन, यह कंप्लीट हुआ, 12वां हो गया, अब 13वां। 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है एलिफैटिक एवं एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का नाइट्रस अम्ल से कैसे अभिक्रिया करते हैं यह आपको बताना है। एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया लिखिए। तो आइए देखते हैं नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन की। तो ध्यान से आप लोग समझें क्वेश्चन नंबर 13। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, ठीक है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन कम ताप पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके डाई ओजोनियम लवण बनाते हैं। समीकरण देखें, यह आपका एरोमेटिक एमीन है, ठीक है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन एनिलीन है, ठीक है, यह नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर रहा है NaNO2 प्लस HCl, 273 से 278 केल्विन पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया हो रहा है HNO2 से, ठीक है, जिससे आपका डाई एजोनियम लवण बन रहा है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन रहा है, C6H5N2Cl बन रहा है, प्लस NaCl प्लस 2H2O। ठीक है, तो जब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन कम ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं एलिफैटिक प्राथमिक एमीन का क्या होता है। एलिफैटिक प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके एलिफैटिक डायजोनियम लवण बनाते हैं जो अस्थायी होता है। ठीक है, तो एलिफैटिक प्राथमिक एमीन भी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और एलिफैटिक डायजोनियम लवण बनाते हैं, लेकिन वह अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है और बाद में वह टूट जाता है नाइट्रोजन गैस और एथिल एल्कोहल में। ठीक है, नाइट्रोजन गैस और एल्कोहल में टूट जाता है। देखें ध्यान से, यह आपका एलिफैटिक प्राथमिक एमीन है RNH2, यह नाइट्रस अम्ल है, ठीक है, HNO2 नाइट्रस अम्ल से जब इसकी अभिक्रिया होती है
तो आप देख रहे हैं कि एलिफैटिक डायजोनियम क्लोराइड बन रहा है जो अस्थायी होता है और यह टूट जाता है एल्कोहल और नाइट्रोजन गैस में प्लस HCl। ठीक है, तो आपने देखा कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया जब नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, जबकि एलिफैटिक प्राथमिक एमीन की जब क्रिया कराते हैं नाइट्रस अम्ल से तो एल्कोहल और नाइट्रोजन गैस बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। देखे ध्यान से, निम्नलिखित में प्रत्येक का संभावित कारण बताइए। ठीक है, तो आपको कारण बताना है, रीजन बताना है। पहला है समतुल्य अणुद्रव्यमान वाले, ठीक है, समान, लगभग समान समतुल्य अणुद्रव्यमान वाले एमीनो की अम्लता एल्कोहलों से कम होती है। ठीक है, एमीनो की अम्लता जो है वह एल्कोहलों से कम होती है जबकि दोनों का द्रव्यमान क्या हो, समान हो। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन आप जानते ही हैं कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। और दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक एमीनो का क्वथनांक तृतीयक एमीनो से अधिक होता है, क्यों? एरोमेटिक एमीनो की तुलना में एलिफैटिक एमीन प्रबल क्षारक होते हैं, क्यों? ठीक है, तो आइए एक एक को देखते हैं। पहला है समतुल्य अणुद्रव्यमान वाले एमीनो की अम्लता एल्कोहलों से कम होता है, क्यों? देखें ध्यान से। पहला, समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एमीनो की अम्लता एल्कोहलों से कम होता है क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध से कम ध्रुवी होता है। ठीक है, जो एमीन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध होता है और एल्कोहल में जो OH बंध होता है, अगर इन दोनों की तुलना किया जाए तो NH बंध OH बंध से कम ध्रुवी होता है। अतः एमीनो में H+ आयन, ठीक है, एमीनो में H+ आयन एल्कोहल की तुलना में अधिक कठिनाई से मुक्त होते हैं। ठीक है, एमीनो में जो हाइड्रोजन आयन हैं वह एल्कोहल की तुलना में अधिक कठिनाई से मुक्त होते हैं, अतः उनकी जो अम्लता है वह एल्कोहलों से कम होती है। ठीक है, तो समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एमीनो की अम्लता एल्कोहलों से कम होती है क्योंकि एमीनो का जो NH बंध है और एल्कोहल का OH बंध है, तो NH बंध OH बंध से कम ध्रुवी होता है, अतः एमीनो में H+ आयन एल्कोहल की तुलना में अधिक कठिनाई से मुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक होता है, क्यों? ठीक है, देखा ध्यान से। इसका रीजन है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। प्राथमिक एमीनो का क्वथनांक तृतीयक एमीनो से अधिक होता है, क्यों? देखें, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध प्राथमिक एमीनो में उपस्थित होता है। ठीक है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध प्राथमिक अमीनों में उपस्थित होता है किंतु तृतीयक अमीनों में हाइड्रोजन परमाणु की अनुपस्थिति के कारण, तृतीयक अमीन में हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं क्योंकि तीनों हाइड्रोजन निकल चुके होते हैं। ठीक है, तृतीयक अमीनों में हाइड्रोजन परमाणु की अनुपस्थिति के कारण हाइड्रोजन आबंध भी अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्राथमिक अमीन में अंतरा हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है जबकि तृतीयक अमीन में हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, अतः वहां पर हाइड्रोजन आबंध अनुपस्थित होता है। ठीक है, अतः प्राथमिक अमीन तृतीयक अमीन से अधिक क्वथनांक रखते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध होता है प्राथमिक अमीन में, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है जबकि तृतीयक अमीन का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध प्राथमिक अमीनों में उपस्थित होता है किंतु तृतीयक अमीन में हाइड्रोजन परमाणु की अनुपस्थिति के कारण हाइड्रोजन आबंध भी अनुपस्थित होता है, अतः प्राथमिक अमीन तृतीयक अमीनों से अधिक क्वथनांक रखते हैं। ठीक है, यह हाइड्रोजन बंध आप देख सकते हैं, यह आपका RNH2 है प्राथमिक अमीन। ठीक है, RNH2 जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बंध बना हुआ है। ठीक है, इससे इसका क्वथनांक अधिक होता है जबकि तृतीयक अमीन में हाइड्रोजन नहीं होते हैं, उनमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, अतः उनका क्वथनांक कम होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, एरोमेटिक अमीनों की तुलना में एलिफैटिक एमीन प्रबल क्षारक होते हैं। एरोमेटिक अमीनों की तुलना में एलिफैटिक एमीन प्रबल क्षारक होते हैं, क्यों? तो ध्यान से समझें, ऐसा क्यों होता है कि एरोमेटिक की तुलना में एलिफैटिक अमीन प्रबल क्षारक होते हैं, क्यों? कारण देखें, एलिफैटिक अमीन निम्नलिखित कारणों से एरोमेटिक अमीनों की अपेक्षा प्रबल क्षारक होते हैं। ठीक है, एलिफैटिक अमीन जो है वह
निम्नलिखित कारणों से एरोमेटिक अमीन की अपेक्षा प्रबल क्षारक होते हैं? तो पहला कारण है, एरोमेटिक अमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, एरोमेटिक अमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ संयुग्मन में संबद्ध रहता है। तो पहला कारण है आपका एलिफैटिक अमीन जो है निम्नलिखित कारणों से एरोमेटिक अमीन की अपेक्षा प्रबल क्षारक होते हैं। पहला रीजन है आपका कि एरोमेटिक अमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म है वह वलय के पाई इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ संयुग्मन में संबंध रहता है। ठीक है, देखें ध्यान से, यह वलय के साथ नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा है जिसके पास यह दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यह वलय का पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ यह संयुग्मन में पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में बढ़ा देगा जिससे जो है इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं यह आपका एरोमेटिक अमीन है। ठीक है, एलिफैटिक अमीन जो है निम्नलिखित कारणों से एरोमेटिक अमीन की अपेक्षा प्रबल क्षारक है, क्योंकि जो एरोमेटिक अमीन है उनमें अस्थायित्व मिल जाता है। किसके कारण? जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वह पार्टिसिपेट कर देता है रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, जिससे इसमें संयुग्मन हो जाता है, कंजुगेशन हो जाता है, रेजोनेंस की घटना हो जाती है, जिससे यह स्टेबल हो जाता है, इसलिए यह दुर्बल क्षारक हो जाता है एलिफैटिक अमीन की तुलना में। दूसरा कारण देखें, प्रोटॉन ग्रहण द्वारा, ठीक है, प्रोटॉन ग्रहण द्वारा एनिलिनियम आयन का स्थायित्व अनुनाद द्वारा कम हो जाता है। ठीक है, प्रोटॉन ग्रहण द्वारा अगर प्रोटॉन ग्रहण कर लिया जाए, एच प्लस ग्रहण किया जाए, तभी क्षार होगा। ठीक है, जो एच प्लस ग्रहण करता है उसी क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे NH2 है, तो अगर यह एच प्लस ग्रहण कर लेगा तो NH3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, NH3 प्लस हो जाएगा तो इसके यह दो स्ट्रक्चर होंगे, यह आपका एनिलिनियम आयन बन गया, तो इसका अस्थायित्व जो है वह अनुनाद द्वारा कम हो जाता है, क्योंकि एनिलिनियम आयन की केवल दो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। ठीक है, प्रोटॉन ग्रहण द्वारा प्राप्त एनिलिनियम आयन का स्थायित्व अनुनाद द्वारा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनिलिनियम आयन की केवल दो अनुनादी संरचनाएं होती हैं, अतः एनिलीन एल्किल अमीनों की तुलना में दुर्बल क्षारक होते हैं। एनिलीन जो हैं वह एल्किल अमीन की तुलना में दुर्बल क्षारक होते हैं। ठीक है, एल्किल अमीनों में प्लस आई प्रभाव, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एल्किल अमीनों में प्लस आई प्रभाव नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। ठीक है, तो एल्किल अमीन में क्या होता है, एल्किल अमीन में प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे यह आपका एल्किल अमीन जो है वह प्रबल क्षारक हो जाता है, जबकि एलिफैटिक अमीन जो है वह दुर्बल क्षारक होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एलिफैटिक अमीन निम्नलिखित कारणों से एरोमेटिक अमीन की अपेक्षा प्रबल क्षारक होते हैं। पहला कारण है कि एरोमेटिक अमीन में नाइट्रोजन जो होता है वह रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में आ जाता है, अनुनाद की घटना होने लगती है। दूसरा कारण है कि जो आपका एनिलीन है अगर वह प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो एनिलिनियम आयन बनेगा जिसके दो ही अनुनादी संरचनाएं होंगी और इसका स्थायित्व कमजोर हो जाएगा। ठीक है, जबकि एल्किल अमीन में प्लस आई प्रभाव नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है। ठीक है, तो यही सब कारण हैं जिससे एरोमेटिक अमीनों की तुलना में एलिफैटिक अमीन प्रबल क्षारक होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।